भोपाल से इस वक्त खबर मिल रही है, सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही है। विधानसभा सत्र को लेकर यह बैठक चल रही है। इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता, संगठन से जुड़े सदस्य मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हैं। मंत्री गोपाल भार्गव, हरदीप सिंह डंग भी इस बैठक में मौजूद हैं। भोपाल से खबर, सीएम हाउस में इस वक्त तमाम बीजेपी के विधायक मौजूद हैं और मानसून सत्र शुरू होने से पहले इस बैठक में रणनीति बन रही है, किस तरह विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, क्योंकि विपक्ष भी तैयारी कर रहा है 5 दिनी मानसून सत्र में सरकार को घेरने की, सवालों को उठाने की, मुद्दों को उठाने की। हम हर बात का जवाब देंगे, हमारे नियम प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी जवाब आएगा हम हर जवाब देंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमारे हर जवाब से वो संतुष्ट हों, लेकिन हम सही जवाब दें, हमारी पूरी कोशिश। हमें से ही एकजुट रहना चाहिए, पता नहीं क्यों टूट जाते हैं, कभी राष्ट्रपति पे चुनाव पे तो कभी कहीं और। हम तो चाहते हैं हमेशा एकजुट रहें। सुना आपने, प्रदेश के गृह मंत्री को आप सुन रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, और विपक्ष जहां तमाम मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहा है, सवालों से किस तरह सरकार को घेरना है, तो वहीं सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी भी, बीजेपी के विधायक भी हर मोर्चे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए हम रुक करेंगे संवाददाता आकर्ष शर्मा का, हमारे साथ लाइव जुड़ गए खबर पर बातचीत करने के लिए। आकर्ष, फिलहाल क्या अपडेट है, कौन कौन बीजेपी के विधायक मौजूद हैं और क्या कुछ इनपुट्स निकल कर आए हैं बैठक से जुड़े? दीपक, यदि मैं बैठक की बात करूं तो तमाम वरिष्ठ विधायक और जो मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करूं, गोपाल भार्गव की बात करूं, हरदीप सिंह डंग की बात करूं, तमाम मंत्री और विधायक पहुंचे हुए हैं। कल मानसून सत्र शुरू होने वाला है और यही कारण है कि आज पूरी रणनीति बनाई जा रही है। करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है बैठक शुरू हुए और यही रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जवाब देना है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष लगातार कहते हुए आ रही है कि से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर वो सदन में सवाल उठाएगी और हमलावर रहेगी। और यही कारण है कि हमने देखा है कि आज मंत्रियों के साथ भी जो है शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की थी और स्पष्ट तौर पे कहा था कि आप अपने अपने विभागों की समीक्षा करिए और जो भी सवाल कांग्रेस पूछती है तो पूरे होमवर्क के साथ आप जाइए, आंकड़ों के साथ जाइए, सिर्फ ऊपरी तरीके से हमको जानकारी नहीं देनी, आंकड़ों के साथ देनी है। जिस तरीके से जो आरोप भ्रष्टाचार के अन्य चीजों के बाहर लगाया जा रहा है सदन से बाहर, उनका जिस तरीके से हमने पूरे आंकड़ों के साथ जवाब दिया, ऐसे ही हमें विधानसभा में तमाम मंत्रियों को उस चीज का जवाब देना है। और अभी जो बैठक चल रही है इसमें इन्हीं चीजों पर मंथन किया जा रहा है और साथ में अनुपूरक बजट को पास करना है, कई अध्यादेशों को पास करना है, तो इन चीजों पर भी चर्चा की जाएगी। विधायकों से 1-to-1 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे कि आपके कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपने प्रश्नकाल में उठाने वाले हैं या ध्यान आकर्षण करने वाले, तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और यही उद्देश्य है कि सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब न हो, जो भी विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं उसका सही तरीके से जवाब दिया जाए। चलिए आप नजरें बनाए रखिए आकर्ष, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल सीएम हाउस में बीजेपी के विधायक मौजूद हैं और देखिए बैठक चल रही है, रणनीति बन रही है 5 दिनी मानसून सत्र को लेकर, किस तरह से जवाब देना है